Thank you.
मने को क्या ले लो चेले ला बिते ला जो फरमुत्यो मने को क्या ले लो चेले ला बिते ला जो फरमुत्यो Thank you.
सबसे बड़े विश्व युद्ध क्या बैतमार गणगौर मेले में जहाँ पर हम डौड़ीदारों का मोहल्ला डौड़ीदार जो कि महाराजा राजा महाराजाओं के डौड़ीदार कहलाते थे उनकी एक बहुत ही भव्य प्राचीन कॉलोनी है। और डौड़ीदारों के मोहल्ले में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बिजली राजस्थान में इसी मोहल्ले में आई थी। और इस मोहल्ले की खासियत यह है कि महाराजा धीराज को भी अगर महारानी के पास जाना पड़ता था तो डौड़ीदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी। आज हम उस प्राचीन मोहल्ले के अंदर आए हैं और हमारे साथ में है हमारे डौड़ीदार मोहल्ला विकास समिति के कंट्रोलर श्री गप्पू भाषा जो कि जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होता है, हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं। तो हम गप्पू भाषा से बात करेंगे। गप्पू भाषा, आपका हवन कलेक्शन में स्वागत है, आपका इस मेले के बारे में क्या कहना है? बहुत ही पुरानी कई सालों से चलता आ रहा है। लाउडली लाउडली और बोलो
थोड़ा तेज बोली आ रही है यार, मैं थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे बीच में प्रभु प्रभु और वैसा किस स्वरूप में बता रहे हैं कविता कृष्ण मूर्ति। कविता कृष्ण मूर्ति तो एक बॉलीवुड के अंदर एक बहुत सी सिंगर्स भी हैं। व्यास आप विष्णु उपाय कहा गया है और आप विष्णु के रूप में आए हैं सावरिया सेठ, क्या बात है। गुनाहों के देवता सावरिया सेठ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है वहीं पे। अच्छा आप आपका अभी तक क्या अनुभव रहा है बताइए। अभी तक पहले मेले में जो था और अभी वाले मेले में ये है कि माहौल पूरी कुमारी जो बच्चियां हैं उनको पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इस छड़ी का मतलब क्या है। बस अभी हम लोगों ने पिछले दो घंटे से करीबन 40 से 50 के करीब मैंने बैच सभी बच्चियों से लिया है। उनका पेरेंट्स का बहुत विरोध था, उन्होंने हमसे विनम्र सर से कहा है कि आप इनको पूरा इसका बारे में पूरी जानकारी दें। बच्चियां अब चलते में ऐसा नहीं है, सभी ये कहते हैं कि मतलब लड़के लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसमें मुझे तो जहाँ तक लगा 70-80% लड़कियां माहौल ख़राब कर रही हैं। वो चलते हुए मतलब जो सॉन्ग देखने को आते हैं बाहर से वो तो इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई। आप एक बात बताइए कि ये जो मेला है इस मेले में आप पूरा दिन तक व्रत करते हैं और पूरा दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद में अगले जो थोड़ा दिन निकालने के बाद जो गीत थोड़ा दिन निकालने के बाद में आपके जो बातें भी जाते हैं वो वास्तव में कैसे जाते हैं। मुझे पूजा करने के बाद में एक तो इसे बहुत आनंद आता है लेकिन जब हम अपनी तीजड़ियों से बिछड़ जाते हैं तो काफी दिन तक हम मायूस रहते हैं, उनसे हमारा मेल मिलाप नहीं होता है। लेकिन गौर माँ के आशीर्वाद से मतलब इन 16 दिन में इतनी उनको एनर्जी आ जाती है तो 365 दिन वो बड़े आराम से निकालते हैं। तो ये बात तो सही है कि तीजड़ियों से बिछड़ने के बाद में जब आप एकांत में हो तो उस समय ईश्वर आपके साथ होते हैं, जो आपके मन में होते हैं, आपकी आत्मा में होते हैं, आपकी सुगंध में होते हैं। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और एक बात बताइए कि आपके साथ में ये जो महिला है ये आपके ग्वाले हैं, ये मुझे वकील लग रहे हैं प्रोफेशन से, तो आपके मिले के बारे में क्या बोलना है। आप इस मेले में आए हैं आपको मालूम मिला कि किसी को भी डंडी मारना भारतीय दंड संहिता के तहत अभी एक मिले तक तो अपराध है, उसके बावजूद भी आपने कितने लोगों पर प्रहार किया। ये हमारी परंपरा है, रूढ़ी है हमारी परंपरा और रूढ़ी में हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसके लिए बनाए हैं, आईपीसी भी मना नहीं करता। वैसे इस बैंक का क्या फायदा होता है, क्या क्यों की जाती है बताइए। क्योंकि इसकी ये है 16 दिन जो गवर पूजती है उनकी जो प्यार की मार होती है उससे शादी हो सकती है। मतलब पहले जमाने में ये बोलते थे पर अब ये लोग बैतमार ऐसा लंबा कर दिया इन लोगों ने, पूरे विश्व में ये हो गया बैतमार है, जबकि बैतमार नहीं है ये, तो जो 16 दिन पूजा करती है और जो सुहागन महिलाएं होती है और जो विधवा महिला होती है वो मार सकती है लड़कियां कवारी लड़कियां और शादीशुदा के बच्चे, लेकिन किसी का परमोशन न जाए तो क्या आपकी बहन से ये संभव है। दाढ़ीदारों का मतलब होता है कि ये जनता को बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक दृष्टि को बताना चाहूंगा कि राजा महाराजाओं की दाढ़ी होती थी, जहाँ पे राजा बिना दाढ़ीदार की परमिशन से रानी के महल में नहीं जा सकता था। वो पावर होता था कि रानी से मिलने के लिए भी दाढ़ीदार की परमिशन लेनी पड़ती थी, ऐसी बहुत दाढ़ी होती थी। वो दाढ़ीदारों का मोहल्ला है ये। आज हम बात करेंगे हमारे मोहल्ले के हमारी परम आदरणीय पूजनीय मातेश्री भाभी सिंह से। भाभी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मेले के बारे में आप अपनी जो भी जानकारी है जो आपने अभी तक इस मेले को देखा है बताइए। इस मेले में मैं लगभग 24 साल से पूजा कर रही हूँ और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, डे बाय डे अच्छी होती जा रही हैं और दाढ़ीदार मोहल्ले की व्यवस्था तो सब जगहों से सबसे अच्छी व्यवस्था काउंट होती है। बताइए आपके जो पतिदेव हैं आज यहाँ पर दूसरी महिलाओं को देख रहे हैं और आप यहाँ बैठी है तो आपको ये कैसा महसूस हो रहा है। आज उनका राइट है देखना और अगर देखेंगे तो छड़ी भी खाएंगे। इनका ये कहना है कि आज उनका राइट है ये देखना क्योंकि आज हर महिला को एक पार्वती माँ की नजर से देखा जाता है और पार्वती माँ को देखना मना नहीं है। भगवान ठाकुर जी पधार चुके हैं, एक मिनट ठाकुर जी आ चुके हैं। आप ठाकुर जी आपका शुभ नाम? निधि बोरा। आप कहाँ से पधारे हैं? गोल मोहल्ला से।
आप किस स्वरूप में आए? श्री राम लल्ला के। राम लल्ला के। आप कुछ बताइए इस मेले के बारे में और अपने स्वरूप के बारे में। इस मेले में इतना मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप जो स्वरूप बन के आए हैं तो आपको मालूम है इस मेले की महिमा क्या है, क्यों आपने ये स्वरूप किया? मेले की महिमा ये, 16 दिन हम गवर पूजते हैं, लास्ट वाले दिन तीज के दिन हम सांग बन के निकलते हैं। तो आप कृष्ण के रूप में आए? नहीं, श्री राम लल्ला के। श्री राम लल्ला के रूप में। पर बली आपके साथ आए। जय श्री राम। जय श्री राम सा। जय श्री राम। लक्ष्मण जी। जय श्री राम। जी राम का फोटो खींचता है। जय श्री राम। गीता माता। गीता माता आइए। गीता माता मोबाइल में बिजी थे। गीता माता जी प्लीज थोड़ा बताइए विदाउट मोबाइल। गीता माता भगवान श्री राम के सामने कुछ बोलने के लिए अभी शर्मा रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए आगे बढ़िए। एक मिनट, हमारे मोहल्ले के सबसे वरिष्ठ नागरिक नवल जी भगवान श्री राम के आदर से भगवान श्री राम के रूप में राम लल्ला पधारे हैं। भगवान श्री राम के नाम पर आज पहली बार धार्मिक मैंने कहा गोरमिस कलेक्शन चैनल पार्टनर के साथ में आज हमारे बीच में हमारी बहन जिसकी शादी महाराष्ट्र में हो रखी है आज इस मेले में वापस आई है, उसका इस मेले के बारे में और अपने उन अनुभवों के बारे में जो आज हमसे शेयर करना चाहती है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता थानवी है और मैं मुंबई महाराष्ट्र की हूँ। मैं प्रॉपर ऐसा जोधपुर की हूँ पर वहाँ पे शादी के बाद हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए और 14 डेज वहाँ पे कुछ होता नहीं है। लास्ट वाले डेज में हम लोग सब साथ में, मतलब मदर इन लॉ और देवरानी, हम लोग सिर्फ एक छोटी सी पूजा कर लेते हैं। पर ये सब चीज के बीच में मतलब जोधपुर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और वहाँ महाराष्ट्र का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है आपको? हाँ वो अच्छा है पर जो मेरा DNA में है वो अपने जोधपुर का कल्चर है। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं आके? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने भाइयों के बीच में, अपने कल्चर के बीच में आके। 16 दिन के तक आप यहाँ रुके हैं, 16 दिन व्रत किया आपने? नहीं 16 दिन नहीं, मैं आज ही आई हूँ सिर्फ एक ही दिन के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं चैनल पार्टनर को? थैंक यू, आपने ये सब कवर किया। जो लोग मुंबई, मतलब जो लोग राजस्थान में नहीं रहते हैं ना, उनको भी ये सब चीजें बाहर से भी देखने का मौका मिलता है। मेले का क्या क्या है, बैतमार का क्या इशू है? क्या इशू है बैतमार में? मतलब बैत मारते तो लड़कों, कुंवारे लड़कों की शादी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और शादीशुदा को पड़ती है उसको? नहीं पड़ती है। और किसी बेरोजगार को पड़ जाए तो उसकी नौकरी लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप श्री राम और मेरे साथ में है मेरे चैनल पार्टनर लक्ष्मण। जय श्री राम। इस गुड़िया को मेमेंटो और दुपट्टा पहना के रिपेयर। Thank you.